मैं अशोक कुमार पांडे आज आपके आम के सघन बागवानी और उसके प्रूनिंग पर आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये इंडो इज़राइल का मैंगो का हाई डेंसिटी आर्चर्डिंग का एक फॉर्म है, जहाँ पर हमने देखा कि आम के 2.5 मीटर या 3 मीटर पर ये पौधे लगाए गए थे, लेकिन ज़्यादा सघन हो जाने से आम के पौधे कई प्रकार की बीमारियों के और कीड़ों के शिकार हो जाते हैं। उन समस्याओं से बचने के लिए, क्योंकि इससे आम का उत्पादन बहुत घट जाता है और आम का जो उद्देश्य है किसान का कि हाई डेंसिटी आर्चर्डिंग या सघन बागवानी से उत्पादन को बढ़ाया जाए, लेकिन उनकी गुणवत्ता ना प्रभावित हो इसलिए और उनकी फलत को उतना बरकरार रखा जाए इसलिए इसमें प्रूनिंग की जाती है, जो 15 नवंबर के बाद और 15 दिसंबर के पूर्व कर ली जाती है। और प्रूनिंग करने के बाद जो इसमें कल्ले आते हैं, इसमें चाहें तो पुनः सायन लगा करके पुनः नया जो है सायन लगा करके नए नए प्रजाति के पौधे आम को बना सकते हैं। तो ये इसको जीर्णोद्धार कहते हैं, आम का रेजुविनेशन कहते हैं। और इसके लिए कटाई के बाद यहाँ पर आप देखें हरे रंग के में कुछ दवाएँ लगाई गई हैं, बोर्डेक्स मिक्सचर है, सफल नाम से एक फंजीसाइड भी आता है जिसमें मैंकोजेब पड़ा होता है, बॉबिस्टीन होता है, और इनको मिक्स करके लगाने से किसी प्रकार के रोगी की संभावना नहीं रहती। उसके नीचे आप देखें तो सफ़ेद रंग का चूना लगाया गया है, अगर इस चूने में भी कॉपर सल्फेट मिला दिया जाए और सिंदूर मिला दिया जाए तो बोल्डेक्स मिक्सचर बन जाता है। और आम का जो गमोसिस नाम की बीमारी होती है, जो गोंद निकलने लगती है, वो भी चूँकि काटने के बाद जो नीचे से न्यूट्रिशन ऊपर जा रहा होता है तो उसके कारण इसमें गोंद निकलने की बीमारी यहाँ पर देखिए आ जाती है। तो ये गोंद जो निकलने लगता है, इस गोंद को भी ये कंट्रोल कर लेता है, इसलिए भी चूने को लगाया जाता है। इसके काटने से जो इसमें तना भेदक लग जाते हैं, शूट बोरल लग जाते हैं, यहाँ देखिए प्यूपा इसका लगा हुआ है, ये कीड़े भी नष्ट होते रहते हैं। तो ये विधि इसको करने से आम का पुनः स्थापना हो जाती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर स्टेम बोरर के कारण छोटे छोटे पाउडर बने हुए हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा तना सूख जाता है। तो इसमें फॉस्फामिडान दवा डाल करके या पेट्रोलियम जेली डाल करके, रुई डाल करके उसको अगर हम नष्ट कर देते हैं कीड़े को, तो पौधा पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार से हम समय अनुकूल आने पर कुछ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हुए और इस पर नीम के तेल का छिड़काव करते हुए अगर हम IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का काम करेंगे तो इस पर आम पर लगने वाले तमाम तरह के रोग, अगर ये देखें ये डाउनी मिल्ड्यू लगा हुआ है जो मैंगो हापर के कारण यहाँ पर हुआ था, और इसी के कारण डाउनी मिल्ड्यू पर जो तमाम अंडे चिपके रहते हैं और पुनः ये कीड़े पुनः उत्पादित हो जाते हैं, तो किसान को बहुत घाटा उठाना पड़ता है। अगर हम देखें तो मैंगो मिलीबग बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, और मैंगो मिलीबग का कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है कि आम के बौर में इनका जो मादा का निम्फ होता है, क्योंकि मादा का मेल तो कोई डैमेज करता नहीं है लेकिन फीमेल का निम्फ बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आम के पौधे में जो दरारें होती हैं, इसी दरार के अंदर सर मैंगो हापर के अंडे मिलीबग की मादा यहाँ छिपी होती है जाड़े से बचने के लिए, जो आती है नवंबर के महीने में अंडे देती है। अगर यहाँ पर जुताई गुड़ाई करके कोई जो है इंसेक्टिसाइड डाल करके अगर इस तरीके से सफ़ेद रंग से रंगा जाए, इसमें कॉपर सल्फेट मिक्स करके और सिंदूर को मिक्स करके अगर इसको लगाया जाए तो काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम 1.5 से 2 फुट की पॉलीथीन लगा लें और उसके नीचे ग्रीस बैंड लगा दें तो वो कीड़ा इसके ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, और चूंकि फीमेल पार्ट का निम्फ ही इसको डैमेज करता है तो हम आम की पूर्ण रूप से सुरक्षा कर सकते हैं और बिना किसी रासायनिक दवा डाले भी आम को अच्छी क्वालिटी का उत्पादन कर सकते हैं।